नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल की बैटरी 3 से 4 घंटे चलती है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और उसके बाद आपके मोबाइल की बैटरी जितनी चलती है उससे उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। मतलब ये 4 घंटे आपकी बैटरी चलती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बैटरी आपकी 8 घंटे चलेगी चलेगी। पर आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ऐसा होता ही है। हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ है उसे हम लोग खुद से घटा देते हैं, और वो कैसे, हम अपनी लापरवाही से। तो हम लोग क्या गलती करते हैं जिससे कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे, और उसे मतलब कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है जिससे कि हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, सारा कुछ इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट बताऊँगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कि दोस्तों, हम लोग 4 गलतियाँ करते हैं जिसके कारण से हमारे मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ है वो डाउन हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है। तो सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं और उस ऐप से आप अपना काम कर चुके और अब आपको उस ऐप को यूज नहीं करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट होम बटन को क्लिक किए और आ गए अपने होम पेज पे, और वो ऐप अभी रिसेंट में पड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से और कोई भी ऐप ओपन किए, उसको भी यूज किए, डायरेक्ट बैक किए आ गए, और जितने ऐप यूज कर चुके हैं वो क्लियर नहीं किए, रिसेंट में सभी ऐप पड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप तो उस ऐप का यूज नहीं करना है पर वो ऐप रिसेंट में मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है, तो बैटरी का यूज वो कर रहा है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि किसी भी ऐप को यूज करके उसे छोड़ देते हैं, रिसेंट में पड़ा रहता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को रिसेंट बटन पे जा करके और जितने ऐप मतलब कि आप यूज़ किए हैं उन्हें पूरा क्लियर कर देना है जब आप उनका यूज नहीं करते हैं। ये हो गई पहली गलती, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। और उसके बाद अब आती है दूसरी गलती। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में जो है तो डाउनलोड करते हैं बैटरी सेवर, बहुत से ऐप ढूंढते हैं कि मैं कौन सा ऐप है जो मेरी बैटरी की लाइफ को बढ़ाएगा। तो पहले आप एक बात बताइए कि कोई भी ऐप कैसे चलता है, वो चलता है जब मोबाइल में बैटरी रहेगी तभी ऐप चलेगा, अन्यथा ऐप नहीं चलेगा। तो वो ऐप आपकी बैटरी को बचाएगा कैसे, वो तो खुद बैटरी का यूज करेगा, तो बताइए कि ऐप बैटरी को बचाएगा कैसे। इसलिए मेरी यदि आप बात मानिए तो किसी भी बैटरी सेवर ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, यदि डाउनलोड किए हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए अभी के अभी, आपको ये 2 काम करना है। और वहाँ की तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं कि अपने मोबाइल की बैटरी की जो चार्जिंग है उससे हम लोग यूज कर रहे हैं, जब 1-2% होती है तब हम लोग क्या करते हैं चार्ज लगाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, 20% से बैटरी को कम नहीं होने देना है और 80 से 85 के ऊपर चार्ज नहीं करना है, क्योंकि यदि 20 से नीचे आ जाती है और हम यूज करते रहते हैं तो उस पर ओवरलोड पड़ता है, और यदि 80 से 85 के बीच में चार्ज है या उससे ऊपर जब चार्ज होने लगती है तो भी ओवरलोड पड़ता है। तो हमें अपनी बैटरी को 20% से कम नहीं होने देना है और 80 से 85 के बीच में चार्ज करना है, इससे ऊपर प्रश्न मतलब कि 100% नहीं करना है। जैसे कोई कोई क्या करते हैं कि लगा दिए फ़ोन, रात भर लगा है चार्ज में और सुबह निकालते हैं, तो इससे बैटरी की लाइफ में कमी आती है। और चौथी गलती, मान लीजिए कि अब आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है तो आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आपको ऐसे ही मतलब कि नहीं छोड़ना है, आप जब मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पावर सेवर ऑन कर देना है, जिससे कि हो गई है कि आप जब मोबाइल रखे रहेंगे तो पावर सेवर ऑन रहेगा, बैटरी बहुत ही कम खपत होगी। तो ये 4 कारण हैं जिससे कि बैटरी की लाइफ डाउन होती है, और जो मैं बताया हूँ वो आप कर लेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। और बाकी एक और कारण है तो उसको मैंने अगले वीडियो में बताया है, तो यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है जिससे कि हमारी बैटरी की लाइफ जो है तो वो नहीं घटेगी, कुछ इंक्रीज होगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।